आई एम निकिता उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, मालवांचर यूनिवर्सिटी, इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी. टुडे इज़ माय टॉपिक इन्फ्लामेशन हीलिंग. सो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट. Inflammation, a process by which the body's immune system malfunctions, failure to function normally. Example, inflammation के अगर देखते हैं तो disease like arthritis, diabetes, myasthenia gravis. Arthritis, diabetes और myasthenia gravis, इनमें जो है वो inflammation जो है देखने को मिलता है. ईडियोलॉजी अगर देखते हैं इन्फ्लामेशन की तो द कोज ऑफ इन्फ्लामेशन आर मैनी एंड वेरियड. एक्सोजीनियस कोज में पहले आता है फिजिकल एजेंट में है, मैकेनिक एजेंट में है फ्रैक्चर्स, फॉरेजिन, क्रॉप्स, सैंड, ATC. सेकेंड वन इज़ थर्मल एजेंट, बर्न्स, फ्रीजिंग. केमिकल एजेंट, टॉक्सिक गैसेस, एसिड और बेसेस. बायोलॉजिकल एजेंट, बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स. सेकेंड है एंडोजीनियस कॉजेस, सर्कुलेशन डिसऑर्डर, इसमें है थ्रोम्बोसिस, इन्फ्रैक्शन, हीमोरियागा, एंजाइम एक्टिवेशन. एग्जाम्पल एक्यूट पैनक्रियाटिस, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, यूरिक एसिड, यूरिया. इन्फ्लामेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन, केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, सेल्स इन फर्स्ट सेंचुरी एना डोमिनी नेम्ड द फेमस फॉर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन एज रबर. पहला अगर साइन देखते हैं इन्फ्लामेशन का तो रेडनेस, रबर, ट्यूमर, स्वेलिंग, हीट, पैन, कलर, डॉलर. टू दिस फिफ्थ साइन फंक्स्टियो लीजिया और लॉज ऑफ फंक्शन वॉज लेटर एडिट बाई विर्चो. टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के टाइप्स, दो टाइप्स का इन्फ्लामेशन होता है. एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है. एक्यूट इन्फ्लामेशन में रिपीट ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है. फ्लूड एक्यूमुलेशन, प्लाज्मा प्रोटीन एक्जुडेशन और न्यूट्रोफिल्स. ये एक्यूट इन्फ्लामेशन का हो चुका है. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में होता है ऑनसाइट, इंसीड्यूस, लॉन्गर ड्यूरेशन. एक्यूट और क्रॉनिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. एक्यूट में अगर रैपिड ऑनसेट होता है तो ऑनसेट इंड्यूस होता है, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन होता है. फ्लूड एक्यूमुलेशन, प्लाज्मा प्रोटीन एक्जुडेशन, न्यूट्रोफिल्स, तो इसमें होता है लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स अस इन्फ्लामेटरी सेल. पैथोजेनेसिस थ्री मेन प्रोसेस अकर एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर. इंक्रीज ब्लड फ्लो, रेडनेस एंड वार्म्थ, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, स्वेलिंग, पेन, लॉस फंक्शन, ल्यूकोसाइट्स इनफिल्ट्रेशन. मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन देखते हैं तो वैसोडाइलेशन इसकी फर्स्ट स्टेज है. सेकेंड स्टेज में हो जाएगा एक्जुडेशन, एडिमा.
एक्सुडेशन एडिमा और इमिग्रेशन ऑफ सेल्स। फोर्थ हैं कीमोटैक्सिस। ये मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो टाइप से होता है, वस्कुलर इवेंट्स होता है और सेलुलर इवेंट्स होता है। वस्कुलर इवेंट्स में जो होता है हीमोडाइनमिक चेंज होते हैं आफ्टर वस्कुलर परमेबिलिटी। हीमोडाइनमिक इसमें चेंज होते हैं और सेकेंड होता है आफ्टर्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वस्कुलर इवेंट्स में हीमोडाइनमिक चेंजेस अगर हैं तो पहला है ट्रांसिएंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पहला वस्कुलर इवेंट्स अगर देखते हैं तो हीमोडाइनमिक चेंजेस जो होते हैं इसका फर्स्ट स्टेप है ट्रांसिएंट वैसोकॉन्स्ट्रेक्शन। सेकेंड है वैसोडाइलेशन आर्टियोलोस वैन्यूल्स एंड कैपिलरीज ओवेरियस विथिन हाफ एंड हुअर एंजरी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन माइक्रोवास्कुलर बेड रेडनेस एंड वार्म्थ। थर्ड है एलिवेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिजल्ट इन ट्रांसडक्शन ऑफ फ्लूड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस सेलिंग। फोर्थ है इसमें स्लोविंग ऑफ स्टेसिस इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। इसमें जो परमेबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है वस्कुलर परमेबिलिटी। उसके बाद में इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीएस इंक्रीज हो जाती है आरबीसीएस की कंसंट्रेशन। राइज्ड ब्लड विस्कोसिटी, जो ब्लड विस्कोसिटी होती है वो राइज्ड हो जाती है। स्लोअर ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। स्लोविंग फॉलोड बाय ल्यूकोसाइट माइग्रेशन न्यूट्रोफिल्स मेनली टू द वस्कुलर एंडोथेलियम ल्यूकोसाइट देन मूव एंड माइग्रेट थ्रू गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स इन द एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस इमिग्रेशन। अल्टर्ड वस्कुलर परमेबिलिटी अल्टर वस्कुलर परमेबिलिटी में होता है स्ट्रेंग्स हाइपोथिसिस इन नॉर्मल कर्क्यूमस्टेंस फ्लूड बैलेंस इन मेंटेनेड बाय टू अपोजिंग सेट ऑफ फोर्सेस। Forces the cause outward movement of fluid form microcirculation are intravascular hydrostatic pressure and osmotic pressure of interstitial fluid. Force that cause inward movement of interstitial fluid into circulation are intravascular osmotic pressure and hydrostatic pressure of interstitial fluid. Accumulation of fluid interstitial compartment which comes from blood plasma by its escape through the endothelial walls or of peripheral vascular bed. Escape of fluid in due to vasodilation and consequent evaluation in hydrostatic pressure transduct.
Subcutaneously, the characteristic inflammatory edema appears by increased vascular permeability of microcirculation. Exudate. जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल में होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, और जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है. प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है नॉर्मल में ये होता है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एग्जाम्पल कंजक्टिव हार्ट फेलियर. अब ट्रांसडेट में होता है, इसमें डिक्रीज्ड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एग्जाम्पल लीवर. इंक्रीज प्रोटीन लॉस एग्जाम्पल किडनी डिसीज. एक्सुडेट फ्लूड एंड प्रोटीन लीकेज वैसोडाइलेशन एंड स्टेसिस. इंक्रीज इंटर इंडोथेलियल स्पेसेस. मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी. गैप्स ड्यू टू इंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शंस. वीनियस वैसो एक्टिव मीडिएटर. हिस्टामिन ल्यूकोट्राइनेज etc. मोस्ट कॉमन फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड मिनट्स. डायरेक्ट इंजरी आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेंस. टॉक्सिंस बम्प्स केमिकल फास्ट एंड मे बी लॉन्ग लिव्ड हुअर्स टू डेथ. ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी मोस्टली वैनलेस पल्मोनरी कैपिलरीज. लेट रिस्पॉन्स लॉन्ग ल्यूड हुअर्स. इंक्रीज ट्रांस साइटोसिस. वेन्यूल्स वास्कुलर इंडोथीलियम डेरिवेट ग्रोथ फैक्टर. न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन. साइट्स ऑफ एंजियोजेनेसिस पैरासिस्ट अंटिल इंट्रासेल्युलर जंक्शन फॉर्म. इंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन. रिवर सीवर प्रोसेस मीडिएटेड बाय हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन ल्यूकोट्रेनेज. शॉर्ट ड्यूरेशन 15 to 30 मिनट. स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ इंडोथेलियल सेल्स. रिवर्सिबल रिट्रैक्शन एट द इंट्रासेल्युलर जंक्शन मेडिएटेड बाय साइटोकाइनेस सच एज इंटरल्यूकिन फर्स्ट IL-1 एंड ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर TNF-alpha-C. इंडोथेलियल इंजरी और डायरेक्ट इंजरी टू इंडोथेलियल सेल्स. कॉजेस सेल न्यूक्रोसिस एंड अपीयरेंस ऑफ फिजिकल गैप. प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस इज इनिशिएटेड एट द साइट ऑफ डैमेज इंडोथेलियल सेल्स. अफेक्ट्स आर लेवल ऑफ माइक्रोवास्कुलेटर्स. इमीडिएट सस्टेन्ड रिस्पॉन्स लास्ट फॉर सेवरल हुवर्स और डेज. ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंडोथेलियल इंजरी. एथेरेंस ऑफ ल्यूकोसाइट
to the endothelium at the site of inflammation. Activation of leukocyte release proteolytic enzyme and toxic oxygen, cause endothelial injury and increase vascular leakiness. Neovascularization. Newly formed capillaries under the influence of vascular endothelial growth factor VEGF, process of repair and tumors are excessively lacking. Cellular events mein exudation of leukocytes, most important feature of inflammatory response. The escape of leukocytes from lumen microvasculators to the interstitial tissue. In acute inflammation, polymorphonuclear neutrophils comprise the first line of defense, followed later by monocyte and macrophages. Change in the formed element of blood, vasodilation, subcutaneously. Slowing of blood stream, the central streams of cell widen and peripheral plasma zone becomes narrow because of loss of plasma by exudation. Margination, the neutrophils of the central column come close to the vessel's wall. Permeating, normal axial flow, or margination and permeating, rolling and adhesion. Peripherally marginated and permeated neutrophils slowly roll over the endothelial cells lining the vessel's wall. Rolling phase, transient bond between the leukocyte and the endothelial cells becoming primer. Adhesion molecules selectins, e-selectins, cytokine activate endothelial cells, p-selectin performed and stored in endothelial cells, l-selectin expressed on surface of lymphocyte and neutrophils. Integrins activated during the process of loss and transient adhesions between the endothelial cells and leukocytes. Immunoglobulin, superfamily adhesions molecules. इमिग्रेशन, इसमें पहले रोलिंग होती है और क्या होता है, फिर में अथेशियन होता है एंडोथीलियल. ट्रांस जर्मिनेशन होता है, फिर उसका फ्लो होता है, उसके बाद में रोलिंग, सेकेंड स्टेप में भी रोलिंग, फिल्म, अथेशियन, एंडोथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर उसका फ्लो होता है, फिर जो बैक्टीरिया होते हैं बाहर निकलते हैं. न्यूट्रोफिल्स मोटिल और सुटेबल साइट इच इज रीज्ड. साइटोप्लाज्मिक सूडो
सुडोप्स सब सबस्क्यूटेनली क्रोसेस द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय डैमेजिंग इट लोकली विद सिक्रेटेड कोलेजेनेसिस एंड एस्केप आउट इनटू द एक्स्ट्रावेस्क्युलर स्पेस इमिग्रेशन. डाइपेडेसिस सिमुलेटेसली एक्सकैप्स ऑफ आरबीसीएस टेक्स प्लेस थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स. डाइपेडेसिस गिव्स हीमोरेगिक अपेयरेंस टू द इन्फ्लामेटरी एक्जुट्स. रोलिंग होती है, फिल्म एडिशन होता है, एंडोथेलियल ट्रांसजर्मिनाइजेशन होता है, फ्लो होता है, बैक्टीरिया निकलते हैं. कीमोटैक्सिस द कीमोटैक्सिस फैक्टर्स मेडिएटेड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल बैक्टीरिया टू रीच द इंटरस्टियल टिश्यू इन कॉल्ड कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस विल इलस्ट्रेट बाय बियॉन्ड चैम्बर एक्सपेरिमेंट. क्या हुआ? इन दिस मिलीपोर फिल्टर सेपरेट्स द सस्पेंशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द टेस्ट सॉल्यूशन इन टिश्यू कल्चर चैम्बर. इफ द टेस्ट सॉल्यूशन कंटेंस कीमोटैक्सिक एजेंट द ल्यूकोसाइट माइग्रेट थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर टूवर्ड्स द कीमोटैक्सिक एजेंट. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इट इज प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस. It is a prolonged process in which tissue destruction and inflammation occurs at the same time. Time course less than 48 hours, weeks, month, years. Cell types mononuclear cells, macrophages, lymphocytes, plasma cells can be caused by one of the following three ways. Chronic inflammation following acute inflammation, recurrent attacks of acute inflammation, chronic inflammation starting de novo. Features of chronic inflammation: infiltration with monomolecular cells, macrophages, lymphocytes, plasma cells. Chronic inflammation healing by proliferation, connective tissue replacement of damaged tissue, tissue destruction. Infiltration with mononuclear cells, bone marrow, blood, stem cells, monoblast, monocytes, tissue, macrophage, activation of macrophage. मैक्रोफेज का जो होता है एक्टिवेशन होता है, इमिग्रेटिंग होती है, एथरेंट होता है, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट, एंडोटॉक्सिन, फाइब्रोनेक्टिन केमिकल मीडिएटर, साइटोकाइन इन्फ्लामेशन फर्स्ट, इंक्रीज लाइसोसोमल एंजाइम, ग्रेटर एबिलिटी टू फेगोसाइटोज. Macrophage in acute inflammation, irritant eliminated, macrophage disappears. In chronic inflammation, persistent macrophage accumulation by following mechanism. Recurrentment for circulation, chemotaxic stimuli includes
सिर्फ आई पे प्लेटलेट्स एवेट ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, लोकल प्रोलीफ्रेशन ऑफ मैक्रोफेज, इमोबाइलाइजेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस सेंट्रल एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, इलास्टेस प्रोस्टेस कोलेजन्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन्स, रेडिकल साइटोकाइनेस, IL-1 8, प्रोलीफ्रेशन, प्रोलीफ्रेशन में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूलेशन टिश्यू, रिएक्शंस ऑफ पल्प टू बैक्टीरियल इन्वर्जन, वास्कुलर चेंज टेक प्लेस इनसाइड ब्लड वेसल्स, PMNLS रीच द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन, एनाटॉमिकल फीचर ऑफ पल्प दे टेंड टू आफ्टर अल्टर द रिस्पॉन्स, इनक्लोजर ऑफ पल्प इन रिजिड क्लासिफाइड वॉल्स प्रिवेंट्स एक्सेसिव स्वेलिंग, दस मोर पेनफुल, प्रेशर लीड्स टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, द इस्केमिया डस नॉट गेट करेक्टेड सिंस कोलेट्रल सर्कुलेशन कैन नॉट डेवलप थ्रू टाइनी एपिकल फोरामेनिया, हिस्टोलॉजिक फीचर ऑफ पल्पिटिस एक्यूट क्रॉनिक होता, वास्क्यूलर इवेंट्स, सेलुलर इवेंट्स, कंटिन्यूड वास्क्यूलर डायलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑडिमल फ्लूड इन कनेक्टिव टिश्यू, पेमेंटिंग ऑफ PMLNs अलोंग एंडोथीलियल वॉल्स, मोनोमोलिकुलर सेल्स प्रीडोमिनेट चीफली प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी इन इविडेंट कोलेजन फाइबर्स सीन इन बंडल्स, एपिकल प्रीडोमिनेट, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रीडोमिनेंटल लिगामेंट अराउंड रूट अपेक्स, इनिटियली लेटर चेंज लोकलाइज अराउंड रूट अपेक्स सिंस रिचली वास्कुलर चेंज, इनफिल्ट्रेशन ऑफ PMNLS एंड एक्सुडेटेड एक्यूमुलेशन, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बोन, एब्सकेस फॉर्मेशन, थैंक यू।